असलकुमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ए मैगजीन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया कमाल इस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदी नाजरीन इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको हर माह के पहले सुमार के दिन यूनिवर्सिटी की तली सरगर्मियों के बारे में आगाह करते हैं ताकि अंदरूनी और बैरून मुल्क हमारे तलबा और तलबात की मालूम में इजाफ़ा हो सके आज के प्रोग्राम में हम पेश करेंगे एक रोज़ा कौमी सम्प्यूजियम पाकिस्तानी जामियात में अलम इस्लाम की तदरीसो तहक़ीक की नई जहाद इकबाल की फ़िक्री तश्कील आखिर में यूनिवर्सिटी की खास खास सरगर्मियाँ पेश की जाएंगी नाजरीन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फैक्ल्टीम इस्लामिया की इब्तः इस्लामिया और अरबी ज़बान के कोर्स से की गई जिसका मकसद दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऐसे माहरीन तैयार करना है जिन्हें अलूम इस्लामिया यानी कुरान हदीस फिका, तारीख़ इस्लामी तहजीब सकाफत और तकबले अद्वियन में खसूस महारत हासिल हो गुजा दिनों यूनिवर्सिटी के इदारा अलूम इस्लामिया और अरबी अदब के जेर अहतमाम एक रोज़ा कौमी सैपेजियम मुनद किया गया जिसका मौजू था पाकिस्तानी जामियात में अलूम इस्लामिया की तदरीस तहक़ीक़ की नाई जहाद इस सैम्पेजियम में मुल्क की मुख्तलिफ जामियात के मंदोबीन ने शिरकत की नाजरीन कौमी सैम्पोजियम जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के शबे इस्लामिया के स्कॉलर्स और सरबरा शरीक हुए थे और जिन्होंने पाकिस्तानी जामियात में मेंलुम इस्लामिया की तदरीसो तो तहकीक की नई जहाद पर अपनी माहिराना आरा का इजहार किया इस दौरान अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद लसन भट्ट ने बड़े बलीख अंदाज में मौजू की निशानदही करते हुए वाजे किया कि जामियात का मकसद क्या है और की जिम्मेदारियां क्या हैं मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जिंदगी ने मुझे क्या सिखाया जामिया क्या है उसके मकासद क्या है क्या इनका मकसद उस स्कॉलर की नशवनुमा करना है जिसमें उन सवाल का जवाब देने की ताकत हो जो चौदह सौ साल पहले हमसे क़ुरान ने बार बार किए क्या जामिया इसलिए बनाई जाती है कि हम अफला या तफक्न का जवाब दे सकें क्या जामिया इसलिए बनाई जाती है कि हम अफ़ला ताखलून पे अमल करने की हिम्मत पैदा कर सकें क्या जामियात इसलिए बनाई जाती हैं कि इन दोनों को हासिल करने के बाद अफ़ला तालेमून की तरफ़ आएं? और इल्म क्या गैस पेपर से या शॉर्ट नोट से मिलता है और फिर ये तीनों सवाल करने के बाद क्या हम जामियात इसलिए बनाते हैं कि अफला मलून अमल करने वाले लोग भी पैदा करें ये जनरेशनल कॉम्पैक्ट जो आपके और आपके तलबा के दरमियान है जनरेशनल कॉम्पैक्ट इन्हीं सवालों के जवाब एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में देने का नाम है अगर मैं अंग्रेज़ी ज़बान इस्तेमाल करूँ तो आपके सामने इन्हीं सवालों का एक दूसरा वर्जन देता हूँ कि ये पांच सीज़ ये हमें अपने तलबा में पैदा करनी है तो वो पांच सीज़ कौन सी है क्या हमें चार साल या दो साल या तीन साल डिग्री प्रोग्राम में कम्युनिकेटिव स्कॉलर्स पैदा करने हैं और वो कौन है किस किस्म की किस किस्म की कम्युनिकेशन? किस जबान में कम्युनिकेशन इस कुलिया के जो मजामी हैं उनमें अगर अरबी की ज़रूरत है जो है तो कम्युनिकेटिव स्कॉलर्स के लिए वो कैसे पैदा होगी अगर अंग्रेजी की जरूरत है तो वो कैसे पैदा करेंगे? अगर उर्दू की ज़रूरत है तो कम्युनिकेशन इन लैंग्वेजेस ये खाली कहने से नहीं होगी इसके लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है दूसरी चीज़ जो हमें स्कॉलर्स में पैदा करनी है आफ्टर मेकिंग दम कम्युनिकेटिव स्कॉलर्स कि क्या वो अपने अंदर ये कंस्ट्रक्टिव सलाहियत भी पैदा कर सकें टू कंस्ट्रक्ट बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव एब्जॉर्ब बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव एक्वायर्ड आइडियाज दैट दे कैन फील कंफर्टेबल विद दैट कैन हैव सम एप्लीकेशन एंड यूज फॉर द सोसाइटी कंस्ट्रक्टिव रादर देन जस्ट बीइंग, नेगेटिव अबाउट लाइफ तीसरी सी <laughs> जो मैं आपके सामने पेश करनी चाहता हूँ यह है कि ना सिर्फ कम्युनिकेटिव स्कॉलर्स पैदा करने हैं ना सिर्फ कंस्ट्रक्टिव स्कॉलर्स पैदा करने हैं बल्कि हमें क्रिएटिव स्कॉलर्स भी पैदा करने हैं। कि वो सोच वो फ़िक्र वो लेवल ऑफ फ़िक्र पैदा करें जिससे कि आप वो गौहर ला सकें जो हमारे सामने अभी छुपा हुआ

तो हमें किस कस्म की क्रिटिकल स्किल्स अपने स्कॉलर्स में पैदा करनी है ताकि वो केयरफुली चूज़ कर सकें और विद क्रिटिकल अवेयरनेस के इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं और फाइनली पाँचवीं सी जामियात इसीलिए बनाई जाती हैं कि ये चारों चीज़ें पैदा करने के बाद हम अपने स्कॉलर्स में एक लेवल ऑफ़ कमिटमेंट पैदा करते कमिटेड पीपल

ये कार्य नबूत की तरह एक ऐसी हरकत है जो आदमी पर तारी हो जाती है उन्होंने कहा तहकीक के जो असलूब हैं मनहज है जो उसके मैथोलॉजी है उसका ताल्लुक महज तरीक़ के साथ नहीं है उसका ताल्लुक़ बुनियादी सवालत के साथ है यानी तहकीक़ के लिए किस तर्ज तज् को इख्तियार किया जा रहा है जो चीज़ मेरी निगाह में बड़ी अहमियत रखती है वो हमारे जामियात के अंदर मैथडोलोजी का सही तौर पर समझना और तलबा को इस बात पर आमादा करना कि वो किसी मौजुअ का जायज़ा लेते वक्त तज् करते वक्त किस तरह से उस मौजु के उन पहलुओं को हाई कर सकते हैं उन पर ज़्यादा तहक़ीक करके एक नई चीज़ पेश कर सकते अगर मौजूद घिसे पिटे हुए भी हों और मैथरॉलोजी दुरुस्त हो नतज नए सामने आएंगे इसलिए फिर से मौजूद इस मसले का हल नहीं है आप फिक को बतौर एक फ़िक के मजमून के ना पढ़ाएँ हम उसको जब पढ़ाते हैं तो उसूल फिक नहीं रहता अमला वो तारीख़ फ़िक बन जाता या तारीख़ ओल बन जाता है ओल को पढ़ाने का मुद्दा जो होना चाहिए वो ये कि जिस तरह से असूल एक जहन को पैदा करता है कि आपको किस अंदाज से वेरीफाई करना है किस अंदाज से आगे बढ़ना है किस अंदाज से नया रास्ता अख्तियार करना है उसूल बेमानी होगा अगर वो आपको एक इश्तहादी मनज पे न ले जाए तहक़ीक़ इसी का नाम है देखिए इल्म जो है ये पेशा नहीं है इल्म जो है वो एक मिशन है और मिशन का मतलब ये है कि ये कार्य नबूत की तरह से एक ऐसी हरकत है जो आदमी पे तारी हो जाती है नाजरीन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शुबालों में इस्लामी और अरबी ज़बान के प्रोफेसर डॉक्टर अली असगर चिश्ती ने कहा कि तलबा की जहनी और फिक्री नशो नुमा के लिए तहकीक़ तलीम का लाजमी और ज़रूरी हिस्सा है पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हमाद नकवी ने अपने ख़ता में इस हकीकत का इज़हार किया कि तहकीक के मैदान में न्यू डायमेंशनस की ज़रूरत है और तहकीक के लिए क्वानटी और क्वालिटी दोनों बहुत अहम हैं पिशावर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर साहिब इस्लाम ने तब इलमों की पार्टिसिपेशन पर ज़ोर दिया उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोग तैयार करें जो तब से बालतर होकर अपनी तालीम के साथ तहकीक़ को तदरीस का लाजमी हिस्सा बनाएँ और तहक़ीक गैर जानबदार होनी चाहिए नाजरीन शायरे मशरक़ हकीमत इकबाल की फ़िक्र और शायरी के कई पहलू हैं उनका आफाक पैगाम वक्त और ज़मान मकान की हदूद से बाला तर है इस्लाम इंसानियत की फ़लाह व बहबूद का वो अब पैगाम है जो हर दौर में जिंदा रहेगा। इकबाल के तस्वुर इस्लाम से अकल फिक्र के तहरीकी जज्बे उजागर होते हैं जिनसे शायर के फ़न को दवाम मिलता है नाजरीन गुजत दिनोंकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शुभ अकबालियात के डॉक्टर एयूब साबिर की किताब इकबाल की फिक्री तश्कील की रोनमाई की तकरीब अकादमी अदब्यात पाकिस्तान के जेर अहतमाम मनकद हुई अमाबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूदल हसन भट्ट सदारत के फ्राइज अदा किए अकादमी अदब्यात पाकिस्तान के चेयरमैन इफ्तार आरिफ मेज़बान थे जिनके तारफी कलमात के साथ तकरीब का आगाज़ हुआ नाजरीन दावा अकेडमी इस्लामाबाद के डायरेक्टर जनरल अब्दुलजबार शाकिर ने कहा कि ऐब साबिर ने इकबाल से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार इस किताब की शक्ल में किया है उन्होंने कहा कि इकबाल के एतराज़ अदब पर इकबाल के तहफ़ और दिफा के लिए ये एक बेहतरीन कोशिश है फाजिल मुकर अब्दुलजबार शाकिर ने बड़े दिलचस्प अंदाज में अपने ख्याल का इजहार किया बर सगीर की उम्म मुसलिम की ये खुशनसीबी है कि उसके अहद ज़वाल में ऐसे बाकमाल लोग पैदा हुए जिन्होंने सिर्फ़ जवाल की मरसिया खानी पर अपने आप को मौकूफ़ नहीं रखा बल्कि जुल्मतों और तारीखियों में एक मरूब जहन वाली कौम के लिए उम्मीद की एक ऐसी शुआ और हरकत का एक ऐसा रास्ता उनके लिए पैदा किया कि देखते ही देखते आलमी इस्तेमार के सारे हथकंडों के बावजूद वो मकासद एक एक करके पूरे होते चले गए कि तारीख़ आलम के अंदर मुझे कोई ऐसा मुफक्र दिखाई नहीं देता और शायर तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि जिसकी फ़िक्र ने दुनिया के जोग्राफिए पर कुछ नई लकीरों को जन्म दे दिया हो इस लिहाज से मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस शख्सियत के हवाले से हम गुफ्तू कर रहे हैं जनाब डॉक्टर अयूब साबिर साहब ने जो मौजू यहाँ पर पेश किया है इस मौजू से बहुत पहले इस मौजू के हद्दाल तय किए जा रहे थे हमें मालूम है कि इकबाल इंग्लिस्तान से वापस लौटे तो वो इकबाल नहीं थे जो यहाँ से जाते हुए वो मौजूद थे उनके फ़िक्र नज़र की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब आ चुका था उनके मोतदात बदल चुके थे उनकी आर्जुएँ बदल चुकी थी उनके मकासद की नई सरहदें जो थीं वो तश्कील पा रही थी और जब वो वापस आए तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ लिखी कि जिससे सदियों की जमूत जदा बर की माशरत की सारी ज़बीन शिकन आलूद हो गई और उन पर एक एक करके कुफर के फतवे लग रहे हैं और उनकी शख्सियत के इन्हदाम के लिए क्या कुछ है जो नहीं किया गया लेकिन सूरज जब निकलता है तो उसके मुकाबले की सारी कुतें जो हैं उनका जवाज़ ख़त्म होता चला जाता है जनाब ऐब साबिर साहब ने एक अदब के अंदर एक नए दबिस्तान का आगाज़ किया और वो ये था कि इकबाल को अपनी पूरी ज़िंदगी में जिन मुखालफतों से जिन मुखासमतों से जिन अदावतों से जो जो उनको पाला पड़ा उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा पैराडाइम इख्तियार किया कि उनके अल्फाज में उनके उस एतराज़ को मुंजबित करने की कोशिश की और फिर उसके अपने जवाब के लिए दाखिली और ख़ारजी शवाहद जो थे वो पेश किए मुझे इस बात का एतराफ़ है अयूब साहब की अयूब साबिर साहब की जो इकबाल के साथ मोहब्बत है उस मोहब्बत के अंदर कहीं कहीं तहक़ीकी उसलूब के अंदर तुर्सी का पहलू जो है वो कहीं कहीं आ गया है और ये उस मोहब्बत का नतीजा है जो किसी भी महबूब से वाबस्ता हो जाए तो उसलूब तब्दील हो जाया करता है नाजरीन मकतदरा कौमी ज़बान के सदर नशीन प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक नेूब साबिर की इस किताब पर तबसरा करते हुए फरमाया कि इकबाल अपने इफ्कार और अपने आफाकी पैगाम की, की वजह से आज भी जिंदा है ऐूब साबिर ने इकबाल से जिस मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है वो लाइक तहसीन है प्रोफेसर डॉक्टर एूब साबिर मेरे अजीज़ दोस्त हैं और हमारी दोस्ती की बुनियाद ये है कि हम दोनों इकबाल के परस्तार हैं मैं अपनी परस्तारी का कोई सबूत फ्राहम नहीं कर सका लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर इकबाल से अपनी मोहब्बत का पे दरपय पे सबूत पेश कर रहे हैं और एक से एक उम्दा और बड़ी तहक़ीकी किताब पेश करते चले आ रहे हैं ये सिलसिला कुतुब अभी जारी है पहले पैर पहल नौजवान इकबाल लाहौर से जब छपने लगा मक़द में तो दिल्ली और लखनऊ के मरकज़ों में बड़े और बुज़ुर्ग और जवान शायर बैठ के एक ख़ास तरह का ख़तरा महसूस करते थे कि यह हमारी दिल्ली की और हमारे लखनऊ की और हमारे हैदराबाद दक्कन की पुरानी जो अदबी और शेरी रवायात थे ये इकबाल पेश कर रहा है उसके लिए एक नई जबान की ज़रूरत है दिल्ली लखनऊ का मुहावरा नहीं ख़ुद इकबाल इस तरह के झगड़ों में नहीं पढ़ते लेकिन कभी कभी किसी शेर में कोई इशारा हो जाता था मसन एक मकता है उस जमाने की गज़ल का इकबाल लखनऊ से न दिल्ली से है गरज हम तो असीर हैं खब जुल्फ कमाल के ये जो पुरानी रवायात है उनकी असीरी नहीं हमें कबूल हम तो कोई आ, न, कमाल की बात होगी कोई हुनर की बात होगी जहाँ होगी उसके तबनाई है और उसकी तलाश में रहते नाजरीन तकरीब में साहिब किताब अयूब साबिर ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए बताया कि आलम इस्लाम की बेदारी और आलम इस्लाम की फ़लाह फ़िक्र इकबाल में मौजूद है और ये इकबाल शनासी का एक साविया भी है इकबाल वफक्र मशवर पाकिस्तान हैं पाकिस्तान में इस पर इतफा के राय मौजूद है असर हाजर में हमत कुरान की ताबीर तफसीर अली तरीन इलमी फिक्री सतह पर इकबाल ने की है कमो बेश इस पर भी इतफा राय मौजूद है कम अज कम ये इतफा के राय इकबाल से ज़्यादा किसी और के बारे में नहीं है फिक्रकबाल पाकिस्तान आलम इस्लाम और आलम इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार है फिकर अकबाल का गहरा तलक़ पाकिस्तान की मजबूती आलम इस्लाम की बेदारी और आलम इंसानियत की फला के साथ है इकबाल शिनासी का एक अहम जाविया ये है कि फ़िकबाल को मुखालफी अकबाल किया राह और उनके पसंदीदा व मतलूबा निज़ामों के तनाजर में परखा जाए सरमायादाराना मगरबी जमहूरीत मुल्हिदाना अश्रकियत इसतिसी हिंदू मत वजूदी और जमूदी तसवफ़ और जामद व शदत पसंद मौलवीत पाकिस्तान आलम इस्लाम और आलम इंसानियत के मसाइल का हल नहीं है ये हल इस्लाम में है इस तनाजर में इकबाल का फहम इस्लाम खसूसी तोज्जो का मुस्तक है पाकिस्तान इस्लामी दुनिया और आलम इंसानियत की फला का राज इकबाल की इस्लामी बसीरत में है इकबाल इस्लामी दुनिया के इतिहाद इस्तेकाम के नकीब हैं शरक व के माबैन पुल की हैसियत और इंसानी और वफाकी जहन रखते हैं और इंसानी बरदरी के दुखों का इलाज बताते हैं नाजरीन तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अलहसन भट वाइस चांसलर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अयूब साबिर की इल्मी और अदबी खिदमात का एतराफ़ करते हुए कहा कि ये जिस किताब का तारुफ आज करवाया जा रहा है ये किताब अयूब साबिर की एक मनज़म काविश है आपने अपने किताब में मौजू की वजाहत करते हुए फरमाया अयूब साबिर ने इन किताबों में न सिर्फ ये कोशिश की है कि वो फ़र्ज़ अदा करें जो इकबाल के स्टूडेंट की हैसियत से उन्होंने अपने ऊपर लागू किया बल्कि वो कर्ज भी अदा करें जो हम सब पे लाजम है और इस फ़र्ज़ और कर्ज की बिना ही पे इन्होंने ये किताबों का सिलसिला जो है वो शुरू किया, कियाकबाल हमें जो कुछ दे गए वो सिर्फ़ मोतरजन के लिए नहीं था जो कुछ वो दे गए वो हम सब के लिए है वो हमारा एक फ़िक्री असासा है उस असासे को हमने फिर समझना है परखना है तहक़ीक करनी है उसके बारे में उसके ऊपर पर तनकीद भी करनी है ये जो हमारा ख़याल है कि तकद्दस डिमांड करता है कि तनकीद से हट जाएँ ग़लत बात है नाजरीन यूनिवर्सिटी की खास खास सरगर्मियाँ बताएंगे जुबैर अख्तर जी जुबैर अख्तर शुक्रिया सादिया। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एजुकेशन इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तीन महीने दौरान पर मुश्तमिल होटल सर्विस मैनेजमेंट साइंस कम्यूनिटी एजुकेशन सोशल साइंस और जरात के कोर्सेज तलबा के लिए पेश कर रहा है ख्वाहिशमंदबा तलबा और तलबात दाखिला फार्म पाकिस्तान भर में कायम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस से हासिल कर सकते हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी साल 2008 हज़ार आठ उस बहार सेमेस्टर के लिए सर्टिफिकेट लेवल पी एच डी एक सौ नौ प्रोग्राम पेश कर रहा है जिसमें अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ एजुकेशन साइंसिस सोशल साइंसज ह्यूमेटीज़ बी एड सी टी पी टी सी ए टी टी सी और एम एड के अलावा दीगर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज शामिल इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इम्तहान बरए समेस्टर दो हजार सात आटम गुजशत माह जून से शुरू हो चुके हैं जिनमें पी टी सी त पी एच डी तक के मुख्त कोर्सेज शामिल हैं और ये इम्तहान तीन जुलाई दो हजार आठ तक जारी रहेंगे जबकि समंदर पार तलबा के लिए एफ ए बी बी ए और बी काम के इम्तहान के लिए तारीख मुकर हुई है यकम जुलाई दो हजार आठ ततरह जुलाई दो हजार आठ अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तलबा के लिए ट्यूटोरियल का काम जून 2008 से शुरू कर दिया है जिसके तहत पाकिस्तान भर में क़ायम तमाम रीजनल आफिस तलबा के लिए ट्यूटर मुंतखब करेंगे जो तलबा को उनके स्टडी सेंटर्स के बारे में आगाही फराहम करेंगे अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दरसी कुतब की तरसील का काम तकरीब मुकम्मल हो चुका है शोभा तरसील कुब का अमला दिन रात तलबा को कुतब पहुंचाने में मसरूफ़ अमल है शुक्रिया जुबैर अख्तर नाजरीन आज कल ए आई यू यू के शोब खाजन डेटा इंट्री डिपार्टमेंट और शोब दाखिला के तमाम कारकुन रोजाना रात देर तक सेमेस्टर पहाड़ दो हज़ार आठ के दाखिला फार्म की अहलीत की बुनियाद पर फहरिस्तें तैयार करने में मसरूफ हैं नए सेमेस्टर के दफ्तरी अमूर में एक महीना दुरानिया की बचत को अपना हदफ़ मुकर किया है ताकि मौजूदा सेमेस्टर से मुल्क भर में तलबा व तालबात का तदरीसी दुरानिया पढ़ाकर चार माह किया जा सके नाजरीन अकैडमिक सेशन प्राइस साल दो हज़ार आठ नौ के लिए ए यू में दाखिलों का काम जारी है अब तक दाखिलों का नाइन्टी टू परसेंट काम मुकम्मल हो चुका है जबकि बकिया काम भी जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा नाजरीन प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चाहता है प्रोग्राम से मुझे कुछ पूछना या बताना चाहते हो तो हमारा रबता नंबर है नाइन जीरो फाइव सेवन फाइव थ्री वन अपनी मेजबान सादिया कमाल को यहीं पर इजाजत दीजिए अल्लाई के बहान